प्रोडक्ट आता है यमाई स्प्रे प्लस। यमाई स्प्रे प्लस क्या है? यमाई स्प्रे प्लस ये बताने की जरूरत नहीं है कि यमाई स्प्रे प्लस क्या है। इस बार जो यमाई स्प्रे आपके सामने है ये प्लस क्यों हुआ है, इसमें ये एडवांस फार्मूला है यमाई स्प्रे का। ये काम क्या करता है, इसके इफेक्ट क्या है, प्रोडक्ट को पहले समझे। यमाई स्प्रे प्लस अपने आप में कोई भी दवाई नहीं है जिसके कारण ये आपके खेतों के ऊपर में कोई मिरेक्युलस काम करेगा। तो यमाई स्प्रे प्लस क्या है, ये इस प्रकार से आपकी दवाई जब भी आप छिड़काव करने के लिए जब भी स्प्रे पंप का इस्तेमाल करते या फिर टपकन सिस्टम से आप जब भी पानी देने का इस्तेमाल करते हो, पानी देते हो या स्प्रिंकलर इरिगेशन से जब भी पानी देते हो या फिर खरपतवार जब अनवांटेड जो घास होती है आपके खेतों में जब भी खरपतवार आप इस्तेमाल करते हैं उस समय यमाई स्प्रे प्लस का जरूरी होता है कि आपके पंप में पड़ना। क्या करता है यमाई स्प्रे प्लस? यमाई स्प्रे प्लस आपका स्टिकर करके काम करता है। जो भी दवाई के साथ में मिला के या खाद के साथ में मिला के या खरपतवार के साथ में मिला के आप इसको डाल रहे हैं स्प्रे पंप में, वो दवाई को पौधों के ऊपर में, फूलों के ऊपर में, पत्तों के ऊपर में चिपकाने का काम यमाई स्प्रे प्लस करता है। स्प्रेडर वो दवाई को आपके पत्तों के सतह के ऊपर में फैलाने के या पौधों के ऊपर में फैलाने का, पूरी तरीके से फैलाने का काम यमाई स्प्रे प्लस करता है। पेनिट्रेटर अगर पत्तों के ऊपर की सतह में अगर वो दवाई पड़ती है तो ये पौधों के दवाई को या खाद को या खरपतवार को पौधे के अंदर ले जाने का काम यमाई स्प्रे प्लस करता है। एक्टिवेटर आपके मार्केट में जितनी भी दवाई आपने देखी होगी वो स्टिकर तो होती है, स्प्रेडर होती है, पेनिट्रेटर होती है। हम लोग बाकियों से अलग कैसे है ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अपना प्रोडक्ट एक्टिवेटर करके भी काम करता है। मतलब क्या, जो दवाई के साथ में या फफूंद नाशक के साथ में या फिर आप खाद के साथ में जब भी आप इस यमाई स्प्रे प्लस का मिला के इस्तेमाल करते हैं तो वो दवाई को, दवाई के रिजल्ट को डबल कर देता है। मतलब कोई दवाई अगर आपको 10 दिन के लिए रिजल्ट दे रही है तो वो दवाई के साथ में यमाई स्प्रे प्लस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको वही वाली दवाई 20 दिन का रिजल्ट देती है। या फिर जिस खाद के साथ में आप इसको मिला के डाल रहे हैं उस खाद के साथ में आपको इसका रिजल्ट दुगना हो जाता है, मतलब आप उसका भी खर्चा कम कर सकते हैं। रिएक्टर अपना यमाई स्प्रे प्लस रिएक्टर करके भी काम करता है। जब भी आप एक स्प्रे पंप में खाद, खरपतवार या फिर खाद के साथ में इंसेक्टिसाइड या फिर कोई फफूंद नाशक जब भी मिलाते हैं उस समय हर खाद की या फिर हर दवाई की एक केमिस्ट्री होती है। अगर वो केमिकल भी है, यमाई स्प्रे प्लस किसी भी दवाई के साथ में मिलाया जा सकता है या फिर अपनी कोई भी दवाई किसी भी दवाई के साथ में मिलाई जा सकती है। तो अलग अलग प्रकार की जब दवाई एक साथ एक पंप में हम लेते हैं तो अलग अलग केमिस्ट्री जब एक पंप में आ जाती है तो वो अलग ही दवाई का रूप रंग ले लेती है। तो हमारा यमाई स्प्रे प्लस जब उसमें मिलाया जाता है तो हर खाद का जो भी दवाइयां आपकी पंप में मिलाई गई है वो दवाई का रिजल्ट अप टू द मार्क करने का काम ये रिएक्टर करता है। मतलब उसकी पहुंच तक उसका रिजल्ट देने का काम ये यमाई स्प्रे प्लस करता है रिएक्टर के द्वारा। पॉलिनेटर, अब ये नया टर्मिनोलॉजी आपके लिए होगा। पॉलिनेटर ये पॉलिनेटर की तरह भी काम करता है। जो भी खेत में आप यमाई स्प्रे प्लस किसी भी दवाई के साथ में आप छिड़काव करते हैं उस समय पाया जाता है कि आपके खेतों में मधुमक्खियों की संख्या बर्बाद हो गई है, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है। और जहां जिस खेत में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है उस खेत में आपको फूल भी ज्यादा लगते हैं और फल भी ज्यादा लगते हैं। इस्तेमाल कितना करना है, अगर आपको छिड़काव करना है आपके पौधों के ऊपर में दवाइयों का छिड़काव करना है, खाद का छिड़काव करना है तो आपको 1 लीटर पानी में 0.33 मिली प्रति लीटर आपको इस्तेमाल करना है। मतलब 15 लीटर के पानी में आपको 3 से 5 ml इसको डालना है। अगर आप जमीन से कोई खाद दे रहे हैं जैसे अंगूर की खेती में हो गया या फिर अनार की खेती में, केले के खेत में या फिर जहां जहां टपकन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जब भी खाद आप जमीन से देते हैं उस समय आपको इरिगेशन के लिए
100 ml प्रति एकड़ आपको इसको देना है। खरपतवार जब आप इस्तेमाल करते हैं तो जब भी खरपतवार छिड़काव के लिए आप स्प्रे पंप पे डालेंगे उस समय आपको 0.50 मतलब 15 लीटर की स्प्रे पंप पे आपको इसको 7.5 से 8 मिली आपके स्प्रे पंप पे डालना है। आपके खरपतवार का रिजल्ट दुगने तेजी से आपको घास को मारने के लिए आसान हो जाएगा। मतलब जब भी घास मारने की दवाई आपको इस्तेमाल करनी है उसके साथ में यह स्प्रे पंप डालेंगे। मैं तो ये कहता हूँ खेती में कोई भी चीज का छिड़काव होने वाला है उस समय हर किसान भाई की जेब में या उसकी बॉक्स में यमाई स्प्रे प्लस होना बहुत जरूरी है। जो भी किसान के साथ में आप डील कर रहे हैं उसके हाथ में ग्रो मैजिक एडवांस की एक पाउच और यमाई स्प्रे प्लस का एक बोतल होना बहुत जरूरी हो जाता है।